अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ 1 किलो चावलों से चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी के साथ साथ मैं हमेशा की तरह बहुत काम की बातें भी शेयर करती रहूंगी, तो मेक श्योर वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। घर पे आम और बेसिक मसालों के साथ खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार किस्म की चिकन बिरयानी किस तरह से तैयार की जा सकती है, ये आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और राजी पर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो चिकन है, हड्डी के साथ मैं चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक डालेंगे, अपने जायके के मुताबिक नमक डालेंगे, और लाल मिर्चों का पाउडर फुल भर के 2 खाने के चम्मच या फिर जायके के मुताबिक नमक मिर्च अपने जायके के हिसाब से डाला करें। ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच फुल भर के, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच फुल भर के, घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला फुल भर के 1 खाने का चम्मच, आप सर्च करें गरम मसाला बाय कुकिंग विद पैशन। हल्दी पाउडर आधी चाय का चम्मच, दालचीनी की स्टिक हैं बड़े साइज़ की, 2 हैं मेरे पास लंबी सी, 6 मेरे पास तेज़ पत्ते हैं स्मॉल टू मीडियम साइज़ के, बादियान का फूल है 2 बड़े साइज़ के, एक टूटा हुआ था तो मैंने छोटा पीस डाला है, जवित्री 1 स्मॉल साइज़ की डालेंगे, 5 से 8 हरी इलायची डालेंगे, 2 बड़ी काली इलायची, 6 से 8 पीसीस लौंग के डालेंगे, और हरी मिर्च डालेंगे अपने जायके के मुताबिक, डिपेंड करता है कि कितनी तीखी हरी मिर्च है, 1.5 खाने का चम्मच ताज़ा नींबू का रस या फिर जितनी खटास आपको चाहिए। 3 से 4 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे जिसका वज़न 700 ग्राम है, इसको फ्राई करके ठंडा कर लिया और फिर इस्तेमाल करेंगे। दही 350 ग्राम जो कि तकरीबन 1.5 कप बनती है, दही को फेंट के डालेंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच धनिया और पुदीना रफ सा चॉप किया हुआ मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। हाथों से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। प्याज के बारे में मैं क्लियर कर दूं कि प्याज मैंने 3 से 4 दरमियाने साइज़ के लिए थे जिसको मैंने स्लाइस में कट करके फ्राई कर लिया, फिर एक ट्रे में फैला दिया था, वो ठंडे भी हो गए थे और क्रिस्पी भी हो गए, उसके बाद मैंने इस्तेमाल किया। अब चिकन को मैरिनेट करके रेस्ट देंगे 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक। बासमती राइस है मेरे पास जिसका वज़न 1 किलो है, मेजरिंग कप से मेजर करें तो 5 कप बनती हैं, 250 ml का जो मेजरिंग कप होता है उसके हिसाब से बता रही हूँ। पानी से इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे कम से कम 3 से 4 दफ़ा, और उसके बाद आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक इसको रेस्ट देंगे। बहुत दफ़ा ये बात मैंने मेंशन की है कि जितने पुराने राइस होंगे उतने ही ज़्यादा जायकेदार और खिले खिले तैयार होंगे, किसी भी ब्रांड के यूज़ कर लें लेकिन पुराने इस्तेमाल किया करें। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 3/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे एक बर्तन में, 2 खाने के चम्मच साथ ही लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल देंगे, इसको मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे ताकि ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा ब्राउन भी हो जाए, ठीक है। जैसे ही इसका कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें मैरिनेट की हुई चिकन डाल देंगे। चिकन आप लोग चाहें तो इसको 1 दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, कवर करके फ्रिज में रख दें, नेक्स्ट डे दावत है तो फौरन से ही आप चिकन बिरयानी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम ना हो तो उसी टाइम मैरिनेट करके उसी टाइम भी पका सकते हैं। फ़ौरन से मिक्स कर देंगे ताकि लहसुन अदरक जल ना जाए नीचे से, और साथ ही 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर जिसका वज़न 300 ग्राम तक होना चाहिए डाल के इसको मिक्स करेंगे और कवर करके मीडियम लो हीट पे 20 से 25 मिनट के लिए कुक करेंगे। मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन साथ साथ आप चेक करते रहिएगा, अगर पानी डालने की ज़रूरत महसूस हो तो पानी डाल देंगे। अब इसको अनकवर करके इतना पका लें कि इसका जितना भी दही और टमाटर का पानी जो निकला वो ड्राई हो जाए और ग्रेवी हमारी थिक हो जाए कुछ इस तरह से। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, इससे ज़्यादा थिक नहीं करनी। मैंने मीडियम साइज़ का चिकन यूज़ किया तो ये जल्दी गल जाता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कवर करके साइड पे रख दें। चावल बॉईल करने के लिए एक बर्तन में मैंने पानी ले लिया जितनी भी ज़रूरत होगी, 1 यहाँ पे लंबी सी दालचीनी की स्टिक डालेंगे, 1 बादियान का फूल है बड़े साइज़ का, टूटा हुआ था ना तो मैंने छोटा सा टुकड़ा साथ में डाला है, 2 चाय के चम्मच ज़ीरा डालेंगे, नमक डालेंगे 5 चाय के चम्मच, 1 कप में 1 चाय का चम्मच मैं नमक डालती हूँ, यहाँ पे 5 कप हैं तो उसी हिसाब से 5 चाय के चम्मच नमक डालेंगे, लेकिन आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे, कवर करके इसको मीडियम हाई टू हाई हीट पे बॉईल आने का वेट करेंगे। कवर करने से बॉईल जल्दी आ जाता है। मेरी एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि क्या पहचान है जिससे पता चल सके कि चावल 90% तक कुक हो चुके हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, आगे मैं टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ। जैसे ही बॉईल आ जाएगा तो हरी मिर्ची डालेंगे, मैंने 2 डाली, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा।
तेल डालेंगे मतलब कि कुकिंग ऑयल एक खाने का चम्मच और भीगे हुए चावल इसके अंदर डाल देंगे। चावलों को डाल के मैं मिक्स करूँगी और फिर से कवर करके मीडियम हाई टू हाई हीट पे इतना कुक करूँगी कि चावलों को जल्दी से बॉईल आ जाए। तो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि चावलों की क्या पहचान है जिसे अंदाज़ा हो सके, तो उसकी पहचान ये है कि एक तो आप गौर करें कि चावल अभी नीचे बैठे हुए हैं, जैसे जैसे चावल पानी सोख करेंगे वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये आप चेक करें। देखें कैसे जैसे जैसे चावल पानी जज्ब करें ऊपर आना स्टार्ट हो गया, टाइम टू टाइम आप देखते रहिएगा चावल साइडों की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये होगी टिप नंबर 1 जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि चावलों ने पानी अपने अंदर जज़ब कर लिया है। फिर मैं अंदाजे के मुताबिक इसको 5 मिनट तक बॉईल कर लेती हूँ जब सब चावल ऊपर आ जाएं। दूसरी पहचान ये है कि चावलों के अंदर छोटी छोटी सी लाइंस होती हैं, ये लाइंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से लाइट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तीसरी पहचान ये है कि जब आप चावलों को तोड़ेंगे ना तो ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें अभी यहाँ पे ना 2 हिस्सों में टूट रहा है। इससे पहले जब आप तोड़ के देखेंगे तो ये 2 से ज़्यादा हिस्सों में टूटेंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं, सबका अपना अपना अंदाज़ा होता है जो कि अपने एक्सपीरियंस से टाइम टू टाइम आपको खुद ही पता चलता है। मेरे जो अंदाजे थे मैंने आपको बता दिए। आप पानी जो है वो ड्रेन कर देंगे और स्ट्रेन किए हुए राइस जो है वो कुक किए हुए चिकन के ऊपर डाल देंगे। जो चिकन कुक किया था सेम बर्तन में मैंने चावल ऊपर से डाल दिया और इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे, फैला देंगे। 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल, घी या फिर मक्खन ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं। 1/2 कप मैंने दूध लिया जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा पीला जर्दे का रंग डाला और 3 से 4 कतरे केवरा एसेंस के डाले हैं। केवरा एसेंस ना हो तो केवरा वाटर भी यूज़ किया जा सकता है, इससे बड़ी प्यारी खुशबू आती है। फ्राई किया हुआ प्याज डालेंगे, अगर आपको पसंद हो, ना पसंद हो तो आप बेशक मत डालें। धनिया और पुदीने के पत्ते तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच चॉप किए हुए। हरी मिर्चें डालेंगे अपने जायके के मुताबिक स्लाइस में कट की हुई। कवर करके इसको हाई हीट पे 5 मिनट के लिए दम देंगे। 5 मिनट के बाद हीट लो कर देंगे, 15 से 20 मिनट के लिए दम देंगे नीचे कोई पुराना सा तवा रख के। ठीक है, दम की टाइमिंग डिपेंड करती है कि जो चावल आपने बॉईल किए हैं वो कितने परसेंट तक गल चुके हुए हैं। दूसरा ये कि जो बर्तन आप इस्तेमाल करें उस पर भी डिपेंड करता है। जैसा कि स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो बर्तन है फुल ऊपर तक भरा हुआ है, तो इस तरह से अगर चावल होंगे तो दम की टाइमिंग जो है वो बढ़ जाएगी। मैंने इसको 15 से 20 मिनट का दम दिया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार और खिले खिले से राइस तैयार हुए हैं। 4 डिफरेंट कलर के राइस हैं, वाइट हैं, येलो हैं, ब्राउन हैं और डार्क ब्राउन हैं। तो चावलों को आप मिक्स नहीं करेंगे, इसी तरह से ही आराम से सर्व करेंगे। घर पे जब आप लोग चावल बनाएंगे तो आपने इसका दम फ़ौरन से नहीं खोलना, जब 15 से 20 मिनट चावलों को दम लग जाए तो कवर करके साइड पे रख दें कम से कम 10 मिनट। मुझे क्योंकि वीडियो कंप्लीट करनी होती है, आपको फाइनल रिज़ल्ट भी दिखाना होता है, इसलिए मैंने फ़ौरन से ही उसका दम खोल दिया। अदरवाइज चावलों को फ़ौरन से नहीं खोलना चाहिए। यहाँ पे इसको आराम से ही डिश आउट कर लेंगे ताकि जितने भी कलर्स के राइस हैं वो तमाम अच्छी तरह से ऊपर से नज़र आए, प्यारा सा हमारा प्लेटर तैयार हो जाए। तो अगर आप लोग घर पे ज़बरदस्त किस्म की बेसिक मसालों के साथ खुशबूदार बिरयानी तैयार करना चाहती हैं तो उसके लिए मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा मेरी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको ये बिरयानी बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। बिरयानी क्योंकि सबकी ही फेवरेट है और रेसिपी बहुत ही आसान है, तो रेसिपी तो मस्ट ट्राई करनी बनती है। मेरे कहने पे एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे साथ फीडबैक पिक्चर भी ज़रूर शेयर कीजिएगा फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे। जाएं और इन्जॉय करें। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, होममेड इज़ द बेस्ट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।